Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School, GGC. How are you? I'm fine. How's your life going on? It's getting along fine. Okay, what class is today? It's a 58th class. Okay, what day is today? It's Friday. What day is today? It's a 10th of July 2020. Okay guys, topic A. I'm sick of my disease. I'm sick of my disease. तो I'm sick of my disease. Confirm किया. I'm sick of your disease. I'm sick of your disease. क्या आप अपनी बीमारी से परेशान हैं? I'm sick of your disease. मैंने कहा, yeah, I'm sick of my disease. हाँ, मैं मेरी बीमारी से परेशान हूँ. Question पूछा क्या? Why are you sick of your disease? आप अपनी डिजीज से परेशान क्यों हैं? Why are you sick of your disease? Why are you sick of your disease? मैंने कहा, I'm sick of my disease because it's keeps coming back. मतलब बार बार आती रहती है वही बीमारी, बार बार आती रहती है वही बीमारी होती रहती है. Because it keeps coming back. क्योंकि ये वापस आती रहती है, इसलिए I'm sick of my disease. अगला, I'm sick of my computer. मैं मेरे कंप्यूटर से परेशान हूँ. Are you sick of your computer? Yeah, I'm sick of my computer. Why are you sick of your computer? आप अपने कंप्यूटर से क्यों परेशान है? Because it gets out of order very soon. क्योंकि बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है. Because it gets out of order very soon. I'm sick of rats. कहते ना, मैं चूहों से परेशान हूँ. I'm sick of rats. हर चीज को काट देते हैं, गंदगी कर देते हैं. I'm sick of rats. बहुत तंग आ गया यार इन चूहों से. I'm sick of rats. Because they nibble everything. क्योंकि वो हर चीज को कुतर देते हैं. Because they nibble everything. हर चीज को वो कुतर देते हैं, काट देते हैं. Nibble यानी कुतरना, काटना. So guys, ध्यान रखिए. I'm sick of my disease. I'm sick of my computer. I'm sick of rats. Are you sick of rats? Yeah, I'm sick of rats. Why are you sick of rats? Because they nibble everything. और बीमारी के बारे में बात करेंगे तो जवाब देंगे because it keeps coming there. और अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो because it gets out of order very soon. है भी लोग अभी तक थोड़ा इंसिडेंट देख लेते हैं. आज की इंसिडेंट, आज हमने एक इंसिडेंट बनाई है और वो बनाई है रिजर्वेशन का. ध्यान रखिए, ये बहुत ही लोकप्रिय वर्ड है, जो लोग बहुत ज्यादा प्रचलित वर्ड है. इसको देखिए, nowadays everybody asks for reservation. आज हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, हर व्यक्ति को रिजर्वेशन चाहिए. हर व्यक्ति रिजर्वेशन मींस वर्कशायर. रिजर्वेशन का मतलब होता है काम चोर. रिजर्वेशन का मतलब होता है काम चोर. यानी कि काम चोर यानी आपके मार्क्स तो सही आए नहीं, मार्क्स आए 40%, 50% और आप ख्वाब देख रहे हैं बड़े बड़े. तो ये काम चोर लोगों का काम है. अगर आप चाहते हैं लाइफ में हाई बढ़ना, मेहनत करो, वर्क हार्ड, गेट सक्सेस. व्हाई आर यू आस्किंग फॉर रिजर्वेशन? रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हो? मेहनत करो. हर ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक माइंड दिया है, दो आंखें दी हैं, दो हाथ दिए हैं. वर्क करो, मेहनत करो, भी क्यों मांगते हो? Nowadays everybody asks for reservation. आजकल हर व्यक्ति रिजर्वेशन मांगता है. It's not fair. Yes, अब हर बंदा ही रिजर्वेशन मांगने लग जाएगा. चलो कुछ हमारे जो दलित भाई हैं या कुछ तक तो सीमित है, लेकिन हर व्यक्ति रिजर्वेशन मांगने लग जाएगा तो फिर संभव नहीं है, फिर फेयर नहीं है. फिर किस किस को रिजर्वेशन देंगे हम? इट्स नॉट फेयर. ये सही नहीं है. आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग सो. मैंने देखा काफी सारे लोग इस प्रकार की मांग को करते हुए मैंने देखा. वो ये सही नहीं,
बिल्कुल सही है। आई डोंट एग्री विथ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। रिजर्वेशन हमको कमजोर बनाता है और हार्डवर्क हमको स्ट्रांग बनाता है। हमें हार्डवर्क करना चाहिए। इफ देयर डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, दे गो ऑन स्ट्राइक। इफ देयर डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, इफ देयर डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता, दे गो ऑन स्ट्राइक, तो वे हड़ताल पर चले जाते हैं। दे गो ऑन स्ट्राइक, वे हड़ताल पर चले जाते हैं। दे स्टॉप द हाईवेज, वे हाईवेज को रोक देते हैं। दे स्टॉप द हाईवेज, वे हाईवेज को रोक देते हैं। दे अपरूट द रेलवे ट्रैक, और फिर रेलवे लाइनों को उखाड़ देते हैं। दे अपरूट, उखाड़ देना, दे अपरूट द रेलवे ट्रैक, वे रेलवे लाइनों को उखाड़। कितनी जनता परेशान हो जाती है, कितने बच्चे परेशान हो जाते हैं, पूरा प्रशासन परेशान हो जाता है। इट्स नॉट ये अच्छी, हमें सोचना चाहिए, हमें वर्क करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। क्या जो लोगों के पास सर्विस नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब नहीं होता, रिजर्वेशन नहीं होता, क्या वो जिंदा नहीं रहते? वो जिंदा रहते हैं और बेहतर तरीके से रहते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं, क्योंकि वे वर्क हार्ड, क्योंकि वे कठिन मेहनत करते हैं। इसलिए वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए। इट्स ए क्राइम, ये एक अपराध। दे प्ले विद द लाइव्स ऑफ द पीपल, वे लोगों के जीवन के साथ खेलते हैं। दे प्ले विद द लाइव्स ऑफ पीपल, वे लोगों के जीवन के साथ खेलते हैं। मैनी पीपल डाई इन सच मूवमेंट्स, काफी सारे लोग ऐसे आंदोलनों में मर जाते हैं। Many people die in such movements. निर्दोष लोग, innocent people die in such movements में मर जाते हैं। Reservation should not be based on caste system. सबसे पहली बात, reservation जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। It should be on economic condition. यह आपकी आर्थिक स्थिति पे आधारित होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ट ऑन इकोनॉमिक कंडीशन, कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। जो भी बंदा जिस भी कास्ट का हो, चाहे वो जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एसबीसी का हो, चाहे ओबीसी का हो, जो भी कमजोर है, जिसकी पुअर कंडीशन है, उसे रिजर्वेशन देना चाहिए। फिर भी शिक्षा में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको खाने पीने पहनने के लिए होना चाहिए, उसे स्कूल तक पहुंचने के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन पढ़ने में नहीं होना चाहिए। दो स्टूडेंट हैं, दोनों वर्क करते हैं, और एक बंदा रिजर्वेशन से ऊपर चल जाता है, एक बंदा रह जाता है, टैलेंटेड व्यक्ति रह जाता है, तो वो देश की हानि है। इसलिए ध्यान रखिए, रिजर्वेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, या जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन, यह हमारी आर्थिक स्थिति पर आधारित होना चाहिए। ओके गाइस, बाय।